कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाके दबे डूब फाइली आपके यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 70-75 नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के बाद साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए। आपके पहले आते हैं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे और टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला और मार्क्स आपका 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मैं दूसरा आता प्रश्न के मांग 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि आपका जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं यही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहले तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं तो आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही हमने पहले बता दिया अगर आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 70-75 नंबर वो पक्के होने वाले हैं। तो चलिए आपके यहाँ पहला देख लेते हैं और आपको ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आता है कैमरे के सामने लाया जाता है। तो आप कहते हैं एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो यहाँ पर कैमरे के सामने लाया जाता है तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, एक अपाहिज को, ठीक है। पहले करेगा आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर, एक अपाहिज को। तो आपको यहाँ पर अच्छा से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता आत्मपर्याय कविता में कभी किसका भार लिए फिरता, कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का और असफलता का। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया आत्मपर्याय कविता में कभी किसका भार लिए फिरता है तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा, जगजीवन का। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम आपके सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर उपलब्ध कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही ध्यान से देखिए, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है समाचार लेखन की शैली है, सीधी पिरामिड शैली, तिरछी पिरामिड शैली और आड़ी पिरामिड शैली, उल्टी पिरामिड शैली। तो जो आपका यहाँ प्रश्न तीसरा दिया गया समाचार लेखन की शैली है तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा, उल्टी पिरामिड शैली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, वो आपके सभी राइट आंसर कराए जाएंगे, कोई भी आपका गलत आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपका चौथा आता बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, बाजारवाद, राजनीति, धर्म, समाज। तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है आपका बाजारवाद, ठीक है। चौथे क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं आपका पाँचवा आता जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। तो पाँचवें का रहेगा आपका करेक्ट आंसर। अब छठवां आपका यहाँ पर आता पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है, प्रतीकों के लिए, चित्त विधान के लिए, बिंब विधान के लिए और व्यंग्यार्थ के लिए। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, बिंब विधान के लिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न दो आता रिक्त स्थान पूर्ति के 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता तुमने डॉट को सवलिए से बरतना कभी नहीं सीखा। तो आपके इसके यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, भाषा, बोली। तो यहाँ पर तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा तो इसमें आपका पहले में यहाँ भाषा आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता बिना मुरझाए महकने के माने डोट डोट किया जाने फूल कविता। तो यहाँ पर बिना मुरझाए महकने के माने फूल किया जाने तो इसमें आपका जाएगा फूल। अब चलिए आपके यहाँ पर आता तीसरा आपका आता बाजार में एक डोट डोट है खेल जादू। तो इसमें यहाँ पर बाजार में एक जादू है, ठीक है। तो आपका इससे जादू करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान आता है आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, रीति काल का अन्य नाम डोंट डोंट है, श्रृंगारकार, स्वर्णकाल। तो यहाँ पर रीति काल का जो अन्य नाम है वो है आपका यहाँ पर श्रृंगारकाल। अब आता है आपका पहलवान की ढोलक पाठ की विधा, पाठ की डोंट डोंट विधा है। तो यहाँ पहलवान की ढोलक पाठ की कहानी विधा है, इसमें आपका जाएगा कहानी। फिर आपका आता है छठवां संपादकीय को डोंट डोंट की आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ पर संपादकीय को आम जनता, इसमें आपका आम जनता हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आपका सातवां आता टेढ़ते शब्द का अर्थ डोंट डोंट है। तो यहाँ पर टेढ़ते शब्द का अर्थ है आपका पुकारते, ठीक है, पुकारते आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको जाते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ आती प्रश्न 3 आती सही जुड़ी, जो कि आपकी कुलम आओबा में दी सही जुड़ी। तो पहले आती कैमरे बंद अपाहिज, तो इसे आपको रघुवीर शाह से मैच कर देनी है। पहली आपको रघुवीर शाह से मैच करनी है और जो दूसरी आती छंद के प्रकार होते हैं 2,
मातृक्षण और बालनिक्षण, ठीक है, हमने आपको नाम भी बता दिए हैं। तीसरा था भक्तिन, तो भक्तिन जो है आपका, तो भक्तिन आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है, जो भक्तिन पाठ के लेखक है वो है महादेवी वर्मा, आपको पता होगा आपने यहाँ पर बुक को अच्छे से पढ़ा है। चौथा आता जो आपने भक्तिन पाठ है वो आपने अच्छे पढ़ा तो आपसे बनना चाहिए। चौथा आता रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, तो यहाँ पर रचना के अनुसार वाक्य प्रकार होते हैं तीन, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो रचना के अनुसार वाक्य प्रकार तीन होते हैं तो आपको यहाँ पर तीन से मैच कर देना। और पाँचवा आता कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता कथानक, ठीक है, इस तरह से आपकी पाँचवीं हो जाती है। और चौपाई छंद में होती हैं 16-16 मात्राएँ। तो फाइनली इस तरह से आपका हमने करा दी सही जोड़ी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न चार, एक शब्द वाक्य मतलब 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो यहाँ बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो पहले का उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर सुनहरे सूरज, ठीक है, सुनहरे सूरज आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता संचयी भावी संज्ञा कितनी मानी गई, तो यहाँ पर संचयी भावी संज्ञा 33 मानी गई है, 33, तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर 33 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर आपका 33 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर लक्ष्मीन हो जाएगा, ठीक है, लक्ष्मीन आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर आपका लक्ष्मीन रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है पाँच क्षेत्रीय शब्द लिखिए, ठीक है, आपको पाँच क्षेत्रीय शब्द लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पाँच क्षेत्रीय शब्द रहेंगे, वो रहेंगे खचाखच, फटाफट, परात, कांच, मुक्का, ये आपका चौथे का आंसर है, खचाखच, फटाफट, परात, कांच, मुक्का। अब पांचवा आपका यहाँ पर आता है, पांचवा आता है गुड़धानी का क्या अर्थ है, इसका उत्तर देख लेते हैं, तो गुड़धानी का अर्थ हो जाएगा आपका गुड़वा चने से बना लड्डू, ठीक है, ये आपका पाँचवें का उत्तर रहेगा, गुड़वा चने से बना लड्डू, ये आपका पाँचवें का उत्तर रहेगा। फिर आपका छठवां आता है, छठवां आप यहाँ पर देखते हैं रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो है ठीक है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपको उल्टा पिरामिड शैली, छठवें का उत्तर आपको उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है सातवां, गागर में सागर बनना का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका थोड़े से बहुत अधिक कहना, ये आपका सातवें का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपके एक शतक में करा दिए, पहले का उत्तर सुनहरे सूरज, दूसरे का आंसर 33, तीसरे का उत्तर लक्ष्मण, चौथे का उत्तर देख लीजिए पाँचवें का, छठवें का, सातवें का, ठीक है, ये आपके एक शतक में का सोल्यूशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत असत, तो आपके आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए, छः नंबर के आते हैं। तो पहला प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। और दूसरा आता श्रृंगार का, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा आता, आप यहाँ पर देख लीजिए सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर तीसरा रहेगा असत्य, ठीक है, तीसरा आपका असत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता कल अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता उल्टा पिरामिड शैली, वो तीन भागों में बांटा गया है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, और तीसरा असत्य रहेगा, चौथा भी असत्य, पाँचवा रहेगा सत्य, और छठवां भी सत्य। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न, हमने जो आपके ऑब्जेक्ट दिए थे ऑब्जेक्ट हमने करा दिए बेस्ट सॉल्यूशन सहित, अब जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो छठवां आता शीतलबाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय, अथवा इसने शुरुआत से क्या आशा है लिखिए, बारहवा था प्रति बात की दुविधता लिखिए, अथवा था नई कविता की दुविधता लिखिए। फिर आपका आठवां था परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, और अथवा था अशोक वृक्ष की कोई दुविधता लिखिए, जी इनके उत्तर वो भी हम बता देंगे आपको। पहले आप यहाँ पर जो क्वेश्चन वो देख लीजिए, और जो क्वेश्चन करा रहे हैं इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको इन क्वेश्चन को पूरे अच्छे से आप पेपर से पहले इनको तैयार कर लेना है। और नौवां आता लड़कों की टोली को मेढक मल्ली नाम क्यों दिया गया, अथवा था सीरीज को काल अवधूत क्यों कहा गया है। फिर आपका दसवां आता संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा अभ्यंति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब आपका आता है ग्यारहवां प्रश्न आता है कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आता लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब आपका बारहवां आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा कोई द्वंद्व लिखना आपको। अब जो आपका प्रश्न बारहवां है इसका अथवा देख लेते हैं, तो इसका आपका अथवा आता जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपका तीन माता क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आता निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता चौदहवां इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, अथवा आता इंटरनेट के दो उपयोग तथा दो दोष लिखिए। पंद्रह आता है यशोदा बाबू के चरित्र की दो विशेषताएँ लिखिए,
अथवा मोहन जोदड़ो की सप्ताह को लोप रूपाई सप्ताह क्यों कहा गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16 प्रश्न आता तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। दो रचना लिखना, अभापच कलापच और साहित्य में रचना लिखना अथवा लेखा अथवा लगा तो दोनों में से एक पर करना आपको। 17 आता महादेव वर्मा अथवा जयनंद कुमार का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर अथवा लगा है, आपको महादेव वर्मा या जयनंद कुमार दोनों में से एक पर लिखना है। ठीक है, आपको दो रचना लिखना, भाषा शैली लिखना और साहित्य में स्थान। फिर आपका 18वां प्रश्न आता भाव पालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणिक सत्य हैं। तो इसका आपको क्या करना, भाव पालन यानी आपको इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, और अथवा आता वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित आपदी गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। गगन गगन तेरा स्पैरा और पवन पवन तेरा बरगर है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा पढ़ लेना। इसका आपका ही पदांश है, इसके जो प्रश्न है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। आप यहाँ पर उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए और आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। तीसरा आता उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। आपका इसका जो अथवा था जो कि आता आपका गद्यांश। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका गद्यांश आता आप गद्यांश, तो इसे भी आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन भारतीय जीवन तत्वों के सारभूत तत्वों को प्रस्तुत करने वाला है। तो पूरा पढ़ लेना, आपको ध्यान से रीड कर लेना। और आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो 3 प्रश्न रहते हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला आता उपयुक्त गद्यांश शीर्षक लिखिए और दूसरा था विवेकानंद जी के विरुद्ध किसकी प्रीति था। तीसरा आता गद्यांश में प्रयुक्त शब्द समीचीन का समानार्थी लिखिए। ठीक है, फिर आपका 20वां प्रश्न आता है और निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ठीक है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है और साथ ही आपको विशेष भी लिखना है। ठीक है, अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। और फिर आपका 21वां प्रश्न आता जो कि आपका था गद्यांश। ठीक है, आपको 4 नंबर के प्रश्न है, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए भक्ति नौ मेरे बीच में सेवक स्वामी की संबंध है, तो पूरा अच्छे से रीड कर लेना। और जो इसका अथवा वो देख लीजिए, साथ ही कुछ लाइन इस साइड भी दी गई हैं। और इसका अथवा देख लीजिए, बाजार में एक जादू है और जादू यहाँ की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसे भी आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका आपको संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता तो 22वां प्रश्न देख लीजिए और 23वां प्रश्न। तो फाइनली आपका जो पूरा पेपर बुक कंप्लीट हो जाता है, साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो हमने आपको पेपर कराया, इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक टेक इन, बाय बाय।